ऑडियो जंगल। खबर शामिल करते हैं डिप्टी मेयर अजीफ मोहम्मद नासिर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने बताया कि ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तमाम मसाले के आमा हजरत मोहम्मद आमिर असलम साही साहब उलमाए कराम ने इस मौके पर अमन अमान के क्याम के लिए अपना अपना किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाई है। डीपीओ सरगोधा और तहसील बुलवाल ने मजीद कहा कि ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस और मजालिस में शरीक होने के लिए सिंगल एंट्री दी गए। जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस मस्जिद बुलवाल से शुरू होकर सारे जुलूस निकाला गया, जुलूस मस्जिद में ही इख्तिताम पज़ीर हुआ। अंजमन मिलाद कमेटी सदर जनाब आमा हजरत मोहम्मद आमिर असलम साहिब साहब, मोहम्मद इलियास फड़ाइज साहब, तहसील बुलवाल नायब सदर मरकजी अंजमन ताजरान तहसील बुलवाल भी शरीक हुए। मुतालिका गलियों और सड़कों को रोशनी का इंतजाम भी किया जाएगा। जुलूसों के मखसूस रूट्स और उनके बरवक्त इख्तिताम को यकीनी बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तमाम तर इंतजाम की खुद निगरानी करेंगे और मुतालिका एजेंसियों के साथ रबते में रहेंगे। 12 रबीउल अव्वल जुलूस में शरीक नौजवानों और तमाम दोस्तों ने शिरकत की। बुलवाल शहर से जुलूस शुरू होकर रवायती रास्तों से होता हुआ बुलवाल शहर में इख्तिताम पज़ीर हुआ। इसकी रवानगी को बेहतर बनाने के लिए शहर बुलवाल में सात ने अपनी टीम के साथ मिलकर